कि हर व्यक्ति को पक्का मकान 2022 तक देंगे। समझिएगा, एक चुनावी जनसभा की बात है, अभी आप सर्च कर लो। अभी तक 62% लोगों के पास केवल पक्के मकान उपलब्ध है। और सर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, पक्के मकान है 40 करोड़ जनसंख्या में आप ये सोचते हो आपको सारे को पक्के मकान मिल जाएंगे? सारे को देना ही नहीं है, आपके पास है तो आपको नहीं, नहीं आप जो कह रहे हो ना, जिन्हें मिला है उन्हें मिला है, और उसमें हिंदू को भी मिला है और मुसलमानों को। बयान ही नहीं है में जो मूलभूत मुद्दे है उनकी अनदेखी की जा रही है। कह रहे की हिंदू मुस्लिम होने वाला है 101 पर। देखिए सर, होने नहीं वाला है, आप ट्रेंड समझ रहे हैं। इनको जब इतना पता है ये भी बनाओ करवा को भाई साहब, है बिल्कुल बता दो। वर्तमान सरकार की बोल रहे थे, अगर वे आज में सरादर को और मुझे गाली दे सकते हैं तो मेरा अधिकार उसे जरूर है, बिल्कुल जब आप अगर मुझे सरादर को गाली देना तो अधिकार है, मेरे सरादर को मुझे गाली देना तो बोलूंगा, बिल्कुल। आपको क्या परेशानी भाई साहब? उसको नियत और नियति का सारा खेल है। एक लाइन में आप समझिए, इंडिया अलायंस बना, अभी घोसी में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश की घोसी में बुरी तरीके से बीजेपी हारी। आप एक बात समझिए, चोर को पकड़ने के लिए जैसे पुलिस को चोर की तरह सोचना पड़ता है, आपको बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की तरह सोचना पड़ेगा। बीजेपी की पूरी केंद्रीय राजनीति सिर्फ एक चीज पे आश्रित और वो है संप्रदायवाद, धर्मवाद। आप एक उदाहरण समझिए, 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, भगवान श्री राम एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो सबके राम है, सबके राम है, अपने अपने राम है। किंतु सबसे बड़ा सवाल है कि आप जनवरी महीने में आपने एजेंडा घोषित कर दिया, जनवरी को उद्घाटन करने वाले, बिल्कुल आप एजेंडा दे चुके हो, आपको चुनाव किस मुद्दे पे एजेंडा है मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप समझिए मैं किस तरीके से। भगवान राम की आस्था या एजेंडा है आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भाजपा के कितने प्रवक्ताओं को आप सार्वजनिक मीडिया चैनल पर, देश में सर मुख्य मुद्दे क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भूखमरी, सुरक्षा। तो सर आप समझिए, जब किसी को रोटी ही नहीं मिलेगी तो सुरक्षा की क्या कल्पना करेगा। पूरी तरीके से वर्तमान में जो मूलभूत मुद्दे है उनकी अनदेखी की जा रही है। कह रहे कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है 101 पर। देखिए सर, होने नहीं वाला है, आप ट्रेंड समझिए। इनको जब इतना पता है ये भी बनाओ करवा को भाई साहब, है बिल्कुल बता दो। वर्तमान सरकार की बोल रहे थे, बड़ी बात है, डेमोक्रेसी में इन्हें भी बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है। बोल करवाना चाह रहा है ये तो बताओ, आपको इतनी जानकारी है कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है? अभी बात है कि मैंने एक लाइन भी नहीं बोला, आप जो बात है अभी बोला, जो बात है सामने में अभी रिप्लेस हो जाएगी, बिल्कुल 100% मैंने आपने कहा कि संप्रदाय का एजेंडा दिया गया। मैं कह रहा था कि आस्था था, बताते हैं हाँ, पहले एग्जांपल सुन लीजिए इनका, मैं एक सेकंड आप बोल लीजिएगा, आप भी बोल लीजिए, मैं आऊंगा जरा, आप भी बोल लीजिए सुनने के लिए। आप एग्जांपल समझिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, मैं भी सेम पोस्ट पे काम करता हूँ, बिल्कुल। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, जरा ट्रेंड समझिएगा। तमिलनाडु में वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सनातन को खत्म कर देंगे, डेंगू मलेरिया से भी बदतर है ये कहा। एक सेकंड, उन्होंने कहा मूलभूत बात पूरा विरोध है, इस देश में किसी माइकल लाल की हैसियत नहीं है। विपक्ष विरोध क्यों नहीं कर रहा उसका? क्यों सहयोग दे रहा? विपक्ष क्यों विरोध नहीं कर रहा भाई उसका? जवाब समूचा विपक्ष एक आप विपक्ष के नेता का नाम बता दीजिए जो इस बयान पर उनके साथ खड़ा है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, भैया 28 के 28 जो उनसे देश के गद्दार है ना, वे सारे के सारे उसके साथ नेता भी है देश के। मैं बताऊंगा भाई को कुछ आ जाता है, अगर वे आज में सरादर को और मुझे गाली दे सकते हैं तो मेरा अधिकार उसे जरूर है, बिल्कुल जब आप अगर मुझे सनातन को गाली देना तो अधिकार है, मेरे सनातन को मुझे गाली देना तो कुछ जरूर बोलूंगा, बिल्कुल बोलिए। आपको क्या परेशानी भाई साहब? उसको आपको तो नहीं बोल रहा, मैं तो उसको बोल रहा हूँ, आपको तो नहीं बोल रहा हूँ, जो डेंगू मलेरिया वाला उसको कुत्ता, बिल्कुल उसको बोल रहा हूँ, उसको कुत्ता बोल रहा हूँ, वो कुत्ता हमें खत्म करेगा, उसकी औकात है इतनी उसे, आपने आपको बचा लो, बिल्कुल। चलिए सर आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल से समझा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीधी बात समझिए, जितनी बात हम बताओगे भाई साहब, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना कुछ है, बाकी भाषण दे रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करी इन्होंने, अब हिंदू मुस्लिम होने वाली, क्या इनको ये पता है हिंदू मुस्लिम होने वाली कौन करा रहा है? अब सपोर्ट या विपक्ष की कर रहे, क्या विपक्ष यहाँ हिंदू मुस्लिम करा रहा है? बात सुनो, अगर विपक्ष की सारी बातें कर रहे, क्या विपक्ष राहुल गांधी जी हिंदू मुस्लिम भी कराएगा?
अरे हाँ सुन तो लीजिए, अब सुनिए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपकी एक एक बात का पूर्ण सम्मान इसलिए करता हूँ कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आप एक ट्रेंड समझिए, राजनीति और सरकार का मूल उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। भारतीय संविधान क्या बोलता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। सर मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा समझने के लिए चीजों को। बेरोजगारी की सर बात हो रही है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, क्या ये सत्य नहीं है कि हरियाणा में देश की सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37% है, हाँ या ना? सेकेंड नंबर पर राजस्थान का नंबर है। सर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सर दोनों जिम्मेदार है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जनता को अपना एजेंडा खुद बनाना पड़ेगा कि वो किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है, मेरे कहने का सीधा अर्थ। आप पूछिए सर, आप 9 सालों का सरकार भी आपने देखा होगा, क्या ये जन कल्याण के लिए काम कर रही है सरकार? सबसे बड़ी बात सर, कोई भी सरकार, कोई भी सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है, ठीक है। अनडाउटली भारत सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसने जनता के बेसिक मुद्दों पर काफी काम किया है। कौन कौन से सर, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, अनडाउटली ग्रामीण क्षेत्र के एक बहुत बड़ी आबादी को उनके सर पे ठिकाना मिला। मैं बोलता हूँ आप समझिए, एक सेकंड सर। दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना, आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम, डिजिटल इंडिया। किंतु सवाल फिर वही आएंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ भी इतने सलीके से बोल रहा था, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। 2016 में देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में ये बोला कि हर व्यक्ति को पक्का मकान 2022 तक देंगे। समझिएगा, एक चुनावी जनसभा की बात, अभी आप सर्च कर लो, अभी तक 62% लोगों के पास केवल पक्के मकान उपलब्ध है। और सर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, पक्के मकान 40 करोड़ जनसंख्या में आप ये सोचते हो आपको सारे को पक्के मकान मिल जाएंगे? सारे को देना ही नहीं है, है? आपके पास तो आपको नहीं, यानी आप जो कह रहे हो ना, जिन्हें मिला है उन्हें मिला है, और उसमें हिंदू को भी मिला है और मुसलमानों को। बयान ही नहीं है, हर व्यक्ति अपने पर वोट देने वाला है। सर मैं तो बोल ही नहीं रहा बीजेपी कांग्रेस को, देखा तो दोनों की बुराई बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के डेट में तमाम योजनाएं मैं आपको गिना दूंगा, एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। एक होता है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक एजेंडा सेट किया गया कि 2030 तक भारत कैसा होना चाहिए। आपको पता है उसके आंकड़े क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के रैंकिंग में आप 107वें नंबर पर। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताऊंगा, 1984 राजीव गांधी वास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और एक बहुत छोटी सी घटना हुई, एक किसी गांव में किसी व्यक्ति की भूखमरी से मौत हो गई। समूचे संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, आप इसको पढ़ लीजिए खोल। आज सर स्थिति क्या है, मैं तो सर आपसे खुल के कह रहा हूँ, अगर मोदी सरकार को जनता बार बार रिपीट कर रही है तो दो बातें हैं, जनता तो मूर्ख नहीं है, दो दो वर्ष मैं आ रहा हूँ आपसे, वही नहीं विधान बताऊंगा। आप ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं और आज के काल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, वे ये कहते थे अगर मैं लाभार्थी के लिए 1 रुपया भिजवाता हूँ तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। अगर आज ऑनलाइन सिस्टम है, अगर 1 रुपया जाता है तो लाभार्थी के अकाउंट में 1 रुपया पहुँच जाता है, तो आज का समय अच्छा है वो समय अच्छा था। फिर दूसरी बात, उन्होंने राम मंदिर की बात की थी, तो राम मंदिर बनने के बाद तो इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम वह खत्म हुई, वो एजेंडा था नहीं इस कांग्रेस वालों का, वो धंधा था जो बंद हो चुका, हिंदू मुस्लिम कराते थे उसको लेकर के। तो उसको अच्छा, मैं वर्तमान पे आता हूँ। आप एक सवाल समझिए सिंपल, G20 का कार्यक्रम समिट हो सर, जल्दी देखिए चीजें, आप किसी से भी बात करेंगे, तार्किक ही बात करेंगे, आप अपने दर्शकों को ले जाइए और मैं आपको बताऊंगा। G20 का कार्यक्रम समिट खत्म हुआ, कितने पैसे खर्च होने थे, 4100 करोड़ के खर्च कितने हुए, 900 होने थे, 4100 करोड़ के। क्यों सर, क्यों खर्च हुए, मतलब मैं कारण चमकाने के लिए खर्च किया है, हमारे देश की औकात से कम ही खर्च हुआ है, हमारे देश की औकात इतनी बड़ी है उससे कम ही खर्च हुआ, इन्हें नहीं समझ में आएगा। आज पूरा विश्व डंका है, आज हमारा पूरा विश्व विश्व गुरु मानता है हमें, जो हिंदी समझ में जा रहा है। सुन लीजिए, फर्जी लोग हैं, फर्जी बात करेंगे, वही पब्लिक को गुमराह करेंगे,
नहीं, इनकी कोई समझ में।